हेलो एवरीवन, क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 5 पीयूष प्रभा पुस्तक का लेसन 5। पाठ का नाम है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। लेखक कुछ हमारे ऐतिहासिक स्थलों पे गए हैं। ये लेखक सेठ गोविंद दास का एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत होता है बेटा कि जब लेखक जिस जगह पर जाता है, ठीक है, और उस स्थिति का वर्णन ज्यों का त्यों जो वर्णन किया जाता है वो यात्रा वृतांत कहलाता है। कि वहाँ के जगह के बारे में बताना, वहाँ के लोगों के बारे में बताना, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, समाज व्यवस्था कैसी है वहाँ, तो वहाँ की हर स्थिति के बारे में लिखना वो क्या कहलाता है, यात्रा वृतांत। तो ये कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सेठ गोविंद दास का एक यात्रा व्रत है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेखक परिचय बता रही हूँ। सेठ गोविंद दास का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1974 में। भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के साहित्यकार थे। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें उच्च शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति भी रहे। इन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। ये भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार व एकांकिकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं नाटक प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस, इनकी एकांकी सप्तरशिम, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पद, इनके उपन्यास चंपावती, कृष्णालता, सोमलता आदि। अब देखिए, इस पाठ का नाम है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। इसमें लेखक प्रस्तुत यात्रा वृतांत में लेखक चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका, उज्जैन नगरी के साथ साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। इस पाठ में लेखक ने चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि, ठीक है, मोक्ष प्रदायिनी उज्जैन नगरी के साथ साथ अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का वर्णन किया है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य का कि ये जो जगह है वो कितनी सुंदरता है, वहाँ की संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्ता को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा है। संपूर्ण यात्रा वृतांत में रोचकता, प्रभाव महत्ता व तथ्य परकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। कि लेखक को अपनी भारतीय संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक के हृदय में कितना अपनत्व है, कितना प्रेम है, ये हमें प्रेरणा देता है। तो ये आपको समझ आया कि इस पाठ में लेखक कहाँ कहाँ की यात्रा की है, चित्तौड़गढ़, उज्जैन, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, वहाँ के सौंदर्य के बारे में, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्ता का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है, ठीक है। अब ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेखक कहाँ गया है, भावपुरी चित्तौड़गढ़ की यात्रा। देखिए, चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे। कौन कह रहा है, लेखक। लेखक क्या बता रहा है कि लेखक ने बतलाया कि वे चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप एक धर्मशाला में ठहरे। भोजन आदि से निवृत्त होकर कोई एक बजे दिन को ही टांगे पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। भावपूरी चित्तौड़गढ़ की यात्रा,
ठीक है। लेखक कह रहे हैं, चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। टांड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिंदी के दो उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी युद्ध का वर्णन था, और दूसरा था वीर जयमल। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश्य अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। केसरिया बाना पहनकर यही वीरों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया। साध्वी वीर माताओं, वीर भंगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी सिदोहिया क्षत्रिय नर नारियों ने जहाँ अपना संसार के इतिहास की अभूतपूर्ण अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वही आज हम जा रहे थे। देखिए लेखक ने क्या बताया कि हम चित्तौड़गढ़ पहुँचे। लेखक कहता है कि वे चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप एक धर्मशाला में ठहरे। भोजन आदि से निवृत्त होकर एक बजे तांगे पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए हम चल पड़े। लेखक ने हाल ही में कर्नल टांड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास और हिंदी के दो उपन्यास, पहला राजपूत जीवन संध्या और दूसरा कौन सा वीर जयमल ही पढ़े और इस वीर भूमि के बारे में जानकारी हासिल की थी। यह महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा वीर जयमल जैसे अगणित वीरों ने अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने हंसते हंसते बलिदान दिया। यही भामाशाह जैसे त्यागी महावीर भी हुए। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर स्थित है। जैसे जैसे तांगा पहाड़ी पर चढ़ता जाता है, लेखक बता रहा है कि जैसे जैसे तांगा पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। लेखक क्या कह रहे, जैसे जैसे तांगा आगे बढ़ता जा रहा था उस अनुसार मेरी भी आतुरता बढ़ती। लेखक क्या कह रहे, चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उसके बुर्ज खंडित हो गए। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज उन खंडरों के बीच खड़े थे। दो स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को देखा तो वीरता के इतिहास के प्रतीक थे ये दोनों स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी खुशी हुई, हर्ष हुआ। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों से, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाओं गाते जान पड़ते हैं। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पड़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थान को छोड़ ही नहीं सका। इधर से उधर, उधर से उधर, न जाने कितनी बार आवारा सा, भूला सा,
घूमता फिरता रहा, एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी नहीं हुई और न ही इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितना मग्न हो रहा हूँ, कितना उत्साहित हो रहा हूँ। कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने मेरी मजाक भी उड़ाई, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। अब अंधेरा होने लगा। सब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने के लिए कहा। ठीक है, चलने के पूर्व उस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, वहाँ की धूल को मैंने मस्तक पर लगाया। जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिरों में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, लेखक कह रहे हैं जिस तरह मैं मंदिरों में ईश्वर को दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट, जो सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसर पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने मुझे नया साहस और नवीन स्मृति प्रदान की। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था। कुछ वृक्षों की झुरमुट में मैं और यह मेरा प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कोर मेरे गले न उतरता। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। देखिए अभी लेखक ने कहाँ का वर्णन किया, कहाँ के बारे में बताया, भावपुरी चित्तौड़गढ़ की यात्रा। लेखक ने चित्तौड़गढ़ गया, वहाँ लेखक ने ठहरा, वहाँ के दृश्य को देखा, ठीक है, और वहाँ किस बारे में बताया। लेखक ने कुछ ही दिनों पहले कर्नल टांड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास और हिंदी के दो उपन्यास पढ़े, कौन सा, राजपूत जीवन संध्या और वीर जयमल पढ़े थे, और इस पर वीर भूमि के बारे में जानकारी हासिल की थी। यही महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर जयमल जैसे अगणित वीरों ने अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। फिर चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर स्थित है। जैसे जैसे लेखक कह रहे हैं कि मेरा तांगा पहाड़ी पर चढ़ाया जाता था, लेखक की उत्सुकता चित्तौड़गढ़ को देखने की बढ़ती जाती थी। लेखक ने वहाँ पहुँचकर खंडरों के बीच खड़े दो स्तंभ देखे। कौन कौन से दो स्तंभ बेटा, एक कीर्ति स्तंभ और एक विजय स्तंभ को देखकर वीरता के इतिहास के प्रतीक थे। लेखक बतलाता है कि यद्यपि यहाँ देखने योग्य बहुत ही कम चीज़ें थी, लेकिन सात खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर बहुत खुशी हुई। इसका एक एक पत्थर भिन्न भिन्न ध्वनियों से भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़ा। मेरा मन वहाँ की वीर गाथाओं की स्मृतियों में भी खो गया और साथियों के रहने पर मैं वहाँ के शौर्य, वहाँ के लोगों का त्याग, कष्ट, सहिष्णुता को, स्मृतियों को स्मरण करता हुआ चल पड़ा। चित्तौड़गढ़ छोड़ने से पहले लेखक ने उस स्थान को भी देखा जहाँ जयमल ने वीर गति प्राप्त की थी। अब इसके बाद है कहाँ की यात्रा है, लेखक की उज्जैन की। फिर लेखक कहाँ जाता है, उज्जैन, ठीक है। लेखक चित्तौड़गढ़ से उज्जैन की यात्रा के लिए रवाना होता है। वहाँ लेखक को महाकालेश्वर मंदिर, ये महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है बेटा, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और शिप्रा नदी के अलावा और भी कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि लेखक को इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना था। लेखक का मुख्य उद्देश्य था ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना। उज्जैन में लेखक ने दो ही चीज़ों को, धार्मिक स्थलों को देखा, एक महाकालेश्वर मंदिर और दूसरा शिप्रा नदी, ठीक है। इसके बाद लेखक कहाँ जाता है, जलगांव की यात्रा। उज्जैन में लेखक जलगांव जाता है। ये आज हम इतना ही पढ़ाएंगे बेटा,
ठीक है, जितना पढ़ाए इसे अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर को रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके थैंक यू, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँगी। ओके बेटा, जो भी कराया जाए उसे डेली का डेली आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।